हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है फुल वीक वर्कआउट प्लान, पूरे हफ्ते की एक्सरसाइज के बारे में। मैं पूरे हफ्ते कौन सी एक्सरसाइज कब करता हूँ, तो दोस्तों वही है आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहना, तो वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला हमारा क्या आता है, मंडे सोमवार। तो सोमवार को मैं कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ, चेस्ट की। चेस्ट एक्सरसाइज और चेस्ट के साथ ट्राइसेप, चेस्ट और ट्राइसेप दोनों साथ में लगाता हूँ मैं। एक दिन में डबल एक्सरसाइज करता हूँ, जिसमें से पहला हमारा मंडे आता है। मंडे में मैं चेस्ट और ट्राइसेप दोनों लगाता हूँ, क्योंकि अगर आप चेस्ट की एक्सरसाइज करते हो, चाहे पुशअप लगाओ चाहे जो भी लगाओ, तो वो ट्राइसेप पे प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों मैं चेस्ट और ट्राइसेप दोनों एक दिन मारता हूँ। सबसे पहले वार्म अप करता हूँ, और वार्म अप करने के बाद क्या करता हूँ, फिर इसके बाद चेस्ट की एक्सरसाइज करता हूँ, फिर लास्ट में ट्राइसेप की। 5-6 एक्सरसाइज ट्राइसेप पे भी करता हूँ। और दोस्तों हम चलते हैं दूसरे दिन। अब दूसरा दिन हमारा है दोस्तों ट्यूजडे मंगलवार। तो मंगलवार को दिन मैं दोस्तों क्या करता हूँ, मंगलवार को सबसे पहले जाके अपना उसी तरह वार्मअप किया। वार्मअप करने के बाद मैं उस दिन क्या करता हूँ, बैक लगाता हूँ, बैक और बाइसेप। क्योंकि अगर आप बैक की एक्सरसाइज करते हैं, बैक की मान लीजिए कोई भी एक्सरसाइज है, बैक की आप ऐसे रस्सा खींचने वाला या इसे ही आप खींचने वाला आप एक्सरसाइज करते हैं बैक एक्सरसाइज, तो वो उस पर ट्राइसेप पे भी आपका प्रभाव पड़ता है। ट्राइसेप बोल रहा हूँ, बाइसेप पर भी प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों मैं मंगलवार को मैं बैक और बाइसेप दोनों लगाता हूँ, बैक और बाइसेप, और हल्की एक्सरसाइज एब्स की भी कर लेता हूँ मंगलवार को। ये हमारा दोस्तों मंगलवार की एक्सरसाइज होगी। अब हम चलते हैं बुधवार। तो वेडनेसडे बुधवार, अब कि बुधवार को मैं लगाता हूँ थाई और कॉलर, जिससे शोल्डर बोलते हैं, थाई और शोल्डर दोनों बुधवार को मैं लगाता हूँ। इस दिन सबसे पहले मैं उसी तरह अपना वार्म अप किया, वार्म अप करने के बाद फिर से मैं सबसे पहले थाई लगाता हूँ। करीब 6-7 एक्सरसाइज थाई की करूँगा, और उसके बाद थाई के बाद दोस्तों फिर कॉलर करूँगा। 6-7 ही एक्सरसाइज, इतने में ही 1-1.5 घंटे। तीनों दिन की हमारी एक्सरसाइज ये है। सोमवार को मैं मारता हूँ क्या, चेस्ट और ट्राइसेप, और मंगलवार को मारता हूँ दोस्तों बैक और बाइसेप और हल्का एब्स, और बुधवार को दोस्तों क्या है, लेग और शोल्डर बुधवार को। फिर इसके अब दोस्तों हम फिर आ जाते हैं क्या, थर्सडे गुरुवार को दोस्तों मैं क्या करता हूँ, फिर से मारता हूँ चेस्ट और ट्राइसेप फिर लगाता हूँ। गुरुवार को मैं फिर से चेस्ट और ट्राइसेप बराबर उसी तरह पूरी एक्सरसाइज अपना जितनी में से हो सकती है उतनी में एक्सरसाइज पूरा करता हूँ। फिर दोस्तों हमारा आ जाता है फिर से शुक्रवार को दोस्तों मैं फिर से क्या करता हूँ, फिर से लगाऊंगा क्या, बैक और बाइसेप। फिर से मैं दोस्तों शुक्रवार को बैक और बाइसेप लगाता हूँ। इसके बाद फिर आ जाता है हमारा दोस्तों शनिवार को दोस्तों मैं क्या करता हूँ, शनिवार को फिर से मैं क्या लगाऊंगा, फिर से लेग और शोल्डर दोनों शनिवार को फिर से लगाऊंगा सैटरडे। और फिर इसके बाद हमारा दोस्तों संडे को रहेगा रेस्ट, और फिर मंडे से सेम उसी तरह। तो दोस्तों ये है हमारा पूरा एक हफ्ते का पूरा रूटीन कि मैं कैसे करता हूँ। हाँ दोस्तों, जिम करने के बाद आता हूँ, तो सबसे पहले जैसे अभी यहाँ देसी जुगाड़ है, तो क्या सबसे पहले आता हूँ अपना शाम को मैं जिम जाता हूँ इतनी समय, तो वहाँ से आने के बाद सबसे पहले 4-6 केला खाऊंगा। उसके बाद दोस्तों करीब 1 लीटर तक समझ लो दूध पी लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों बस इसी तरह 1/2 से 1 घंटा रेस्ट लेने के बाद इसी तरह मतलब कुछ ना कुछ दोस्तों खाता रहता हूँ। और फिर शाम को करीब 9-10 के बीच में खाना खाता हूँ दोस्तों, और इसके बाद फिर आराम से करीब 10:30 तक में सो जाता हूँ। और यही है दोस्तों हमारा पूरा एक हफ्ते का रूटीन, और दोस्तों इसी नियम से मैं अपनी एक्सरसाइज पूरी करता हूँ एक हफ्ते पूरा। और बाय बाय दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद।